क्या कर रही हूँ मैं यार? ताओ भाई शादी हो किससे रही है? ये क्या बात हुई? Guys, welcome back to my channel. I'm Nukriti. So I'm back with a new video. और आज का वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज का वीडियो है एक अनाउंसमेंट वीडियो. और हाँ, जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों को पता चल गया होगा, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हो, अगर आप मेरे दूसरे चैनल्स को सब्सक्राइब करके रखा है, वहाँ पर हमने ऑलरेडी बता दिया है कि आई एम गेटिंग मैरिड. यस गाइस, सीरियसली मतलब मैं ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है, मिनी सेलिब्रेशन कर रही है वहाँ पे, बट दिस इज़ ट्रू. और वैसे थोड़े दिन पहले हमने एक पोल किया था, उसमें हमने पूछा था कि क्या आप गेस करो कि मेरी शादी होने वाली है सुकृति की. उसमें से मैक्सिमम लोगों ने गलत वोट किया था, तो फिर 85% लोगों ने गलत किया था. मुझे जानना है कि रीज़न, मुझे आप कमेंट में प्लीज़ बताना कि ऐसा क्या रीज़न है कि आप लोग को लगता है कि शायद सुकृति की शादी हो रही होगी. मुझे भी जानना है ऐसा तो क्या था. मुझे भी जानना है. हाँ बताओ बताओ, प्लीज़ बताओ मुझे कि क्या बात है ऐसा. जो भी है, आई एम गेटिंग मैरिड, आई वॉन्टेड टू क्लैरिफाई. और बहुत सारे शादी रिलेटेड कॉन्टेंट आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है. मैं आप लोग को बता दूँ, डेट मैं आप लोग को जल्दी ही बताऊँगी, अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है. और अभी बहुत सारे प्रिपरेशंस करने हैं और वो प्रिपरेशंस एक्चुअली स्टार्ट हो चुके हैं. बहुत कुछ, मतलब रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है. मतलब आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ शादी ठीक है, इतना सारा काम करना है यार शादी में. ये क्या बात हुई? मेरा मिनी ब्लॉग देखिए, बहुत कुछ होगा. हाँ, स्वीकृति के चैनल पे मिनी ब्लॉग आता रहता है, तो वहाँ पे से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया भी आएगा क्योंकि वो एवरीडे डालती है ऑलमोस्ट. तो एक्चुअली क्या है ना, हाँ एवरीडे डालती है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत पता चलता है आप लोगों को. मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी थोड़ा सा किसी की चीज़ें कुछ इंक्लूड करूँ अपने चैनल पे भी. आप मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आप चाहते हो कि मैं एक मिनी ब्लॉग काइंड ऑफ जो एवरीडे डालूँ. मैं मोस्ट ऑफ टाइम, मतलब कि क्या होता है ना, एवरीडे सोचते हैं, लेकिन बहुत सारे दिन ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, तो उस टाइम पर शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए कभी मिस होता है तो होता है. बट एनीवेज, तो शादी हो रही है मेरी और दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़. और हाँ गाइज, आई एम ऑलरेडी इंगेज्ड. हाँ मतलब कि हाँ, हो चुकी है मेरी इंगेजमेंट. हाँ, और टाइम भी काफी हो गया. एक्चुअली आज है 18th January जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और आज मेरे इंगेजमेंट को एग्जैक्टली 2 month हो गए. आई डोंट नो व्हाट टू से, बट एनीवेज, हाँ 2 month हो गए. मतलब मेरे इंगेजमेंट हुआ था 18th November को. तो गाइज, मैंने एक व्लॉग काइंड ऑफ शूट किया था, तो आप लोग अगर चाहते हो कि मैं वो व्लॉग अगर पोस्ट करूँ, तो आप मुझे कमेंट में जल्दी से बता दो कि क्या मुझे इंगेजमेंट व्लॉग शूट पोस्ट करना चाहिए. और स्वीकृति वहाँ पे एक सॉफ्ट टॉय के साथ खेल रही है, मेरे ही एक सॉफ्ट वो वाला ला, हाँ इसके साथ खेल रही है स्वीकृति. लुक एट दिस, लुक एट दिस, वो छोटा है. ये छोटा और मोटा है. लंबा पतला है. दिस इज एक्चुअली आई एम गेटिंग मैरिड. सो वैसे क्या होता है कि शादी का टाइम होता है, तो आई वांटेड कि हाँ मैं अपना थोड़ा सा, मैं अपनी शादी के कारण थोड़ा सा ख्याल रख रही हूँ, अपना थोड़ा सा एक्स्ट्रा ख्याल रख रही हूँ. और बहुत सारे काम हो भी रहे, बट फिर भी मैं आई एम वर्किंग ऑन माय स्किन, माय हेयर, माय नेल्स, माय रूटीन. तो आई वांटेड टू इंक्लूड समथिंग इन माय रूटीन जिससे कि मेरी स्किन और हेयर थोड़ा ज़्यादा अच्छे हो जाए. सो आई डिड माई रिसर्च एंड फाउंड दिस प्रोडक्ट विच इज़ कॉल्ड वेलबींग कोलाजन. Look at this. I have been using this once every day. It is important that you take care of your skin from outside as well as from inside for that perfect glow. Well-being Beauty Collagen makes skin look younger, fight bitter nails and luscious hair, and it is also very easy to consume. All you need to do is take a scoop, mix it in a glass of water and drink. You can take it whenever you want throughout the day. It gives 8 gram collagen per serving and it has no added sugar and fillers. You can get this from wellbeingnutrition.com, Amazon, Blinkit and Nykaa. इसका लिंक और डिस्काउंट कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना. और मेरी शादी जिससे होने वाली है, आपको उनके बारे में भी बहुत जल्दी पता चलेगा. वैसे बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत सारे मैसेज इंस्टाग्राम पे DMs भी किए हैं कि बताओ भाई शादी हो किससे रही है, तो mystery वो भी man. हाँ मिस्ट्री मैन कौन है, तो वो आप लोग को जल्दी पता चलेगा. आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझे अगर फॉलो नहीं किया तो कर लो, कि वहाँ पे थोड़े ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा जल्दी अपडेट होती है. आपको मेरी आईडी दिखाई दे रही होंगी एनीवेज, और दिखाई दी होंगी स्टार्टिंग में भी, आप लोग को शायद पता ही होगा. बस आप लोगों ने, वो तो ना लेजी हो गए हो शायद आजकल, इसलिए लोग फॉलो नहीं करते.
बट एनीवेज वहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि शादी के बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। मतलब मैं सोचती हूँ ना तो मुझे कुछ कुछ नर्वसनेस थोड़ी सी फील होने लगती है। आई डोंट नो, आई एम वेरी हैप्पी, बट पता नहीं क्यों होता है ऐसा थोड़ा सा। आई थिंक इट इज़ नॉर्मल। वैसे गाइज, आप मुझे ना, आप लोग जिनको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, अगर इफ़ यू आर मैरिड, तो आप मुझे कमेंट में या फिर मुझसे इंस्टाग्राम पर डीएम्स में थोड़ा सा टिप्स दो यार, मुझे भी थोड़ा सा पता चले कि भाई करना क्या चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। तो वैसे क्या है, कुछ ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं आएगा लाइफ में, बट फिर भी। और हाँ, मैं जब ये पोस्ट किया, ये व्लॉग पोस्ट किया था, जब मुझे मैंने बताया था कि आई एम गेटिंग मैरिड, तो उसमें से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि वी विल मिस अनुकृति, आई, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, आई एम गेटिंग मैरिड, बस उसके अलावा कुछ और ऐसा नहीं होने वाला कि मैं अपना यूट्यूब वूट्यूब सब कुछ छोड़ दूंगी या फिर। हाँ, मैं मिली से भी सुकृति से भी मिलती रहूंगी रेगुलरली, आप लोग को उसका टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। शी विल मिस मी, बट आई विल मिस हर टू, आई विल मिस हर टू, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं छोड़ छाड़ के सबको जा रही हूँ, छोड़ छाड़ के मैं चली जाऊंगी, कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। बट हाँ, काफी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। बट हाँ, लाइफ थोड़ी चेंज होने वाली है, आई होप फॉर द बेस्ट। स्वीकृति आई बिल्कुल बेकार से कुछ बॉलीवुड गाने को रिमिक्स कर रही है। मैंने भी अभी तूने स्टार्ट किया ना कि छोड़ छाड़ के अपने। हाँ, तो बस इतना कर दूँ सनी की गलियाँ ना, तो चली डिस्को चली। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्या डिस्को नहीं जाना मुझे अभी। नहीं, तो आप लोग मुझे बताओ वैसे कि क्या आप लोग ये शादी रिलेटेड कंटेंट और देखना चाहते हो, शादी के बाद वाले कंटेंट भी देखना चाहते हो कि नहीं देखना चाहते, तो मुझे कमेंट जल्दी से बता दो। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बिल्कुल भी करना मत भूलना, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट आने वाले, यही चैनल नहीं, मिश्रा ट्विन शॉर्ट्स, स्वीकृति का चैनल पे, सब सारे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो आप लोगों को थोड़ा सा अपडेटेड होगा। इंस्टाग्राम पर तो बिल्कुल फॉलो कर लेना, क्योंकि मैंने बताया ना वहाँ पर ज़्यादा इंस्टेंटली काम होता है। और वेडिंग डेट क्या है वो भी मैं बहुत जल्दी अनाउंस करने वाली हूँ। आई विल से कि आज 18th जनवरी है, और यू कैन काउंट इट ऑन योर हैंड नाउ। ओ माय गॉड, व्हाट इज, क्या हो रहा है मेरे साथ। बट एनीवेज, आई होप कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो क्या, मैम? मुझे, मेरे लिए एक्चुअली ये वीडियो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं आप लोग को एकदम यू नो प्रॉपरली ऑफिशियली बताऊं कि हाँ, यस, आई एम गेटिंग मैरिड। तो हाँ, तो मैंने बता दिया, तो प्लीज कमेंट में कंग्रेचुलेशन कमेंट कर देना, ठीक है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, नमस्ते।